समुद्र के किनारे नारियल, ताड़ और सुपारी के पेड़ देखने को मिलते हैं, पर हम इस वीडियो में बात करेंगे दुनिया के सबसे बड़े बीज वाले पेड़ कोको दे मेर के बारे में। कोको दे मेर ज़्यादातर मालदीव के समुद्र द्वीपों पर देखने को मिलते हैं। कोको दे मेर का पेड़ नारियल के पेड़ जैसा ही दिखता है। उसकी लंबाई 25 से 30 मीटर की होती है और उसके पत्ते की लंबाई 7 मीटर जितनी होती है। कोको दे मेर के पेड़ को उगाने के 7 साल के बाद फल देता है और इस फल को पकने और बढ़ने में 2 साल का समय लगता है। यह फल 15 से 20 किलो वजन का होता है और इस फल के 3 से 4 बीज निकलते हैं, जो दुनिया में सबसे बड़े बीज माने जाते हैं। ईस्वी सन 1769 में कुछ नाविकों द्वारा इस फल को खोजने में आया था। तो आपको कोको दे मेर के बारे में कुछ जानकारी है तो हमें कमेंट में ज़रूर शेयर करें, और आगे ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पावर बैक नॉलेज को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।